शराब तंबाकू और गुटखा की बिक्री को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें भी बंद है और करीब एक महीने से गुटखा तंबाकू की बिक्री पर सरकार ने रोक लगा रखी है। वैसे ऐसे में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए किराना एवं राशन की दुकानों पर लोगों की भीड़ को रोकने के लिए ये फैसला किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में चोरी छिपे शराब और तंबाकू गुटखे की बिक्री जारी है। पिछले एक हफ्ते में पुलिस ने जहां शराब की तस्करी पर अंकुश लगाते हुए छापेमारी पर कार्रवाई की है, वहीं गुटखा और तंबाकू को बेचने वाली दुकानों और गोदामों को सील कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शराब गुटखा और तंबाकू को बेचने वाले पर 5,000 रुपये जुर्माना भी लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रदेश के पत्रकारों से ऑनलाइन बातचीत के दौरान ये बात कही। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में